ऋषियों की धरती ऋषिकेश, जो अपने तप, योग और अध्यात्म के लिए जानी जाती है, जो दिल के छूने वाले नजारों से हर किसी के दिल में एक खास जगह बना चुकी है। ऋषिकेश आपके दिल ही नहीं, आपकी जिंदगी में भी एक खूबसूरत याद बनकर रहेगी। ऋषिकेश सफर का ये हमारा दूसरा दिन है और आज हमें ऋषिकेश की कुछ नई जगह कवर करनी है, जिसका हमने सुबह प्लान बनाया और निकल पड़े। पूरे दिन हमारे शरीर की बैटरी चार्ज रहे, इसके लिए जरूरी था एक स्वादिष्ट नाश्ता। नई जगह पर अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट मिल गया, जिसका नाम था पेट पूजा। ये देखने में तो काफी साधारण सा था, बट ये काफी साफ सुथरा और यहाँ का खाना काफी टेस्टी था। यहाँ का पराठा और चिला काफी स्वादिष्ट था। नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े त्रिवेणी घाट की ओर, जिसके लिए हमने ई रिक्शा किया। त्रिवेणी घाट मेन मार्केट के पास ही स्थित है। यहाँ पर आसपास की मार्केट काफी सुंदर थी। यहाँ पर काफी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, कपड़े और खिलौनों की दुकानें थी, जो काफी सुंदर और आकर्षक थी। आगे चलकर त्रिवेणी घाट के पास हमने फूल लिए और घाट की ओर बढ़ गए। ये घाट काफी साफ सुथरा और सुंदर था। यहाँ की सायंकाल की आरती काफी प्रसिद्ध है। हमने घाट पर जाकर थोड़ी पूजा की और फूल गंगा मैया को अर्पित किए। त्रिवेणी घाट का नाम त्रिवेणी घाट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। यहाँ पर पहाड़, गंगा नदी और खुला आसमान काफी खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से जाने का तो हमारा मन ही नहीं कर रहा था। फिर हमने पास ही में एक भैया को लेमन टी बेचते हुए देखा। हमारा भी मन हुआ कि हम लेमन टी पिए। हमने भी पी लेमन टी और ये काफी स्वादिष्ट थी। इसके बाद पास ही में लगे गणपति पंडाल में हमने दर्शन किए और सेल्फी पॉइंट पे कुछ फोटोज खिंचवाई। खिंचवाने के बाद हम मेन मार्केट की तरफ चल दिए। ऋषिकेश आकर थोड़ी बहुत शॉपिंग नहीं किया तो कैसे चल सकता था। यहाँ के रंग बिरंगे कपड़े काफी आकर्षक थे। यहाँ थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े जानकी झूला की तरफ, जहाँ पर घूमने की शुरुआत हमने लस्सी पीकर की। जानकी पुल काफी सुंदर लग रहा था। रात में तो ये और भी सुंदर लगता है, क्योंकि इसमें रंग बिरंगी लाइट्स जलती हैं, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। हमने जानकी पुल को पैदल पार किया। पुल के बीचों बीच से गंगा नदी का बहाव काफी डरावना लग रहा था। इस पुल के दूसरे छोर पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ था, जो काफी सुंदर था, मानो उनकी भुजाओं ने इस पुल को थामा हुआ था। जानकी पुल पार करने के बाद आप स्वर्ग आश्रम के क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको असली ऋषिकेश से रूबरू होने का मौका मिलेगा। यहां पर आपको काफी साधु, संत और आश्रम देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम परमार्थ आश्रम की ओर बढ़े, जहां पर गंगा नदी के किनारे घाट काफी सुंदर और साफ सुथरे थे। यहां हमने थोड़ी देर बैठकर आराम किया और फिर निकल पड़े आगे की ओर। यहां की दीवारों पर की गई कारीगरी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। इन गलियों से गुजरकर हम पहुंचे परमार्थ निकेतन, जो कि शाम की आरती के लिए तैयार किया जा रहा था। फिर हमने पास के आश्रम को देखा और राम झूला की ओर बढ़ गए। राम झूला जाते वक्त रास्ते में कई दुकानें, मंदिर और खाने की दुकानें मिलेंगी। फिर हम राम झूला पहुंच गए। ये गंगा नदी पर स्थित एक झूला पुल है, जो कि 1986 में खोला गया था और ये लक्ष्मण झूला से बड़ा है। ये पुल गंगा नदी के दो छोरों को जोड़ता है। बीच में कोई सपोर्ट न होने के कारण इसे झूला पुल कहा गया है, जिसे पार करके हम दूसरी तरफ पहुंच गए। पहले ये पुल वाहनों के लिए भी था, पर अब इसे सिर्फ पैदल यात्रा के लिए ही खुला रखा गया है। वाहनों के लिए अब जानकी सेतु का प्रयोग होता है। जैसे जैसे हम गंगा नदी के दूसरे छोर पर पहुंच रहे थे, वैसे ही गंगा आरती का समय नजदीक आ रहा था। हमने दूसरी तरफ थोड़ी मार्केट घूमी और फटाफट बोट किया वापस आने के लिए, क्योंकि हमें परमार्थ आश्रम द्वारा आयोजित आरती देखनी थी। के साथ आसमान का सुनहरा रंग और नदी पर पड़ती परछाई काफी सुंदर लग रही थी। यहाँ पे आपका परिचय खूबसूरती से भरे एक अलग ही ऋषिकेश से होगा, जिसे देखकर आप सच में ऋषिकेश को दिल ही दे बैठेंगे। ऋषिकेश आकर इस नजारे को मिस करना बनता ही नहीं है।